तो हम मैं कल यहाँ पे वीडियो को एंड करा था, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का काम है मेरा, मैंने कल भी बोला था कि जैसे मैं यहाँ पे हॉल बना हुआ, तो यहाँ पे हॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा बहुत खोदा था, ठीक है। यहाँ से और थोड़ा सा खोदेगा, पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो सामान इकट्ठा कर लेते हैं बाहर, चलेंगे एक सेकंड महाराजा को, मेरे ऊपर ऐसे छोड़ा हुआ पानी भी मेरे को लेना है, क्योंकि अगर मैं कभी टॉप ऑफ से गिरा तो मैं कम से कम सेफ रहूँगा। मैं मार मत लेता हूँ तो मार रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने ऐसी खोदम उससे याद आया, पहले आज हम नीचे का काम पूरा कर लेते हैं, फिर मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसके चारों तरफ बाउंड्री लगानी है कांच की, ऐसे वहाँ से लेके वहाँ तक कांच, और फिर नहीं 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 स्टीपर को लेके चलता पहले थोड़ा दूर। नहीं पहुँच गया, बैग हो गया, कंटेनर तक गिर गया, वो वहीं फट गया। अच्छी बात भाई, यहीं फट गया तो अभी मेरे को लगेगी बहुत सारी, नहीं पूरी पहले नीचे का चीज़ हम साफ कर लेते हैं, नीचे मेरे को जितने जितने का बनाना है ना उतना साफ कर लेते पहले, ठीक है। इधर से मैं बनाऊंगा अपना एक हॉल, ठीक है। उसके लिए लगेगी मेरे को पिकैक्स, पिकैक्स लेके आते हैं फटाफट से। पिकैक्स मेरे इसमें रखी होगी, इसमें रखी है मेरी पिकैक्स। कौन सी वाली पिकैक्स तक इस्तेमाल नहीं करना, ये वाली, ठीक है। ये दोनों पिकैक्स मेरी इस्तेमाल नहीं थी, इन दोनों को ले लिया। यहाँ से मैंने कितने बाय कितने का खोदा था, यहाँ से मैंने खोदा था एक, नहीं नहीं ये इतना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छ सात, सात बाय सात का काफी आएगा। यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात यहाँ गया ना, सात सात नहीं गए तो गए लगे, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बाय सात इधर, सात बाय सात इधर, और फिर अंदर को मैं देखता हूँ, अंदर भी सात बाय सात ही का ले होगा। अभी मेरे को लगेगी शवल, शवल भी लगेगी थोड़ी बहुत, शवल का भी काम चल रहा है, तो शवल ले लेते हैं। शॉर्ट में मेरे को बीकन बनाने के लिए आयरन बहुत सारा चाहिए होगा, तो हम आयरन फार्म भी काफ़ी देख लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे काम नहीं हो रहा, फिर नेदर को भी मारना पड़ेगा इधर को। ये है ना सात बाय सात का, तो गलत खोल रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात बाय सात का है, तो यहाँ से अंदर को खोदना, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात इधर को खोद गए। अब एक काम करते हैं, हम इधर से सात अंदर को खोदते हैं, ठीक है। इधर से दो तीन चार पाँच छ सात, और सात सात से ज़्यादा हो गया 300, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हाँ आठ हो गए ना। यहाँ पे ये लगा देते हैं, तो अब ये लग गया। अब एक काम करता हूँ, मैं खोल देता हूँ पूरे एरिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को टॉर्च लगेगी, तो टॉर्च में फटाफट से काम करता हूँ, ले लेते हैं टॉर्च। यहाँ पे इतना सारा कोल हमने मान कर रखा है, इसे ही तोड़ते हैं पहले फटाफट से, और स्टिक्स की कोई टेंशन है नहीं, स्टिक्स मेरे टेस्ट में बहुत सारी बढ़िया। ये होगा मेरा मेन चेस्ट रूम, ठीक है, जो मेरा सोफा वाला, जहाँ पे मतलब गेस्ट रेस्ट आएगी वो बैठेगी, उसका रूम मैं बनाऊंगा, वो रूम भी बनेगा, बट वो इस जगह पे नहीं बनेगा, वो घर के अंदर से, बट उस कोने से बनेगा, मैं बताता हूँ उस कोने से किधर की साइड को। और इसे ऊपर से भी हमें खोलना है, इतना इतना दो दो ब्लॉक और ऊपर को तोड़ने पड़ेगी इसके, तो अभी चलते हैं फटाफट से, ये ले लेते हैं यहाँ से। ओ ओ कोई बात नहीं, ये मेरे पास रखे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ग्यारह हो गए, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, और 11 कूल है, तो 11 मतलब पाँच छः टॉर्च मिल जाएगी। यही नहीं है मेरे पास और भी है मेरे इन्वेंट्री में, कोल की टेंशन मतलब, ये 1.19 वाला एडिशन है, इसमें बहुत कोल मिल जाएगा मेरे को, ऐसे रास्तों में पड़ा पड़ा मिल जाएगा कोल तुम्हें कोई नहीं। एक स्टैक और 20 एक्स्ट्रा, तो 60 60 70 80 80 84 84 84 टॉर्चेज हैं मेरे पास अभी। मैं ये क्यों खोदा, मैंने नहीं पता मेरे को,
को टॉर्च लगानी थी थोड़ी सी रोशनी के लिए, तो इस पूरे को खोदना है भाई 7x7 ठीक है। तो अब ले लो अपनी पिकैक्स और आज है बहुत सारा काम। ये मेरा मतलब मेन टेस्ट रूम होगा जहाँ पे मेरा सारा बेस सामान पड़ा होगा, बेस्ट नहीं वो भी मेरे काम का सामान होगा। आज मेरे पास बहुत सारा पत्थर हो जाएगा, पहले से मेरे इसमें कम से कम 10-20 स्टैक रखा हुआ है पत्थर का। और ये कितने, एक एक दो तीन चार पाँच, तो फटाफट से मैं इसमें खोद रहा ना, अभी से मेरे को ऊपर को भी खोलना है तो मैं पहले नीचे का तोड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं ऊपर का लेट तोड़ने का। टॉर्च गई, टॉर्च तो गई है, हो गया। अब देखो भाई ये मेरे को नीचे को भी खोदना पड़ेगा, एक ब्लॉक नीचे को और खोदना पड़ेगा मेरे को, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मेरे को एक ब्लॉक और नीचे को खोदना पड़ेगा, एक ब्लॉक नीचे को और खोदना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। आज मैं बता रहा हूँ मेरी बहुत पिकैक्स जाएगी यहाँ पे, और फिर एक्स भी जाएगी क्योंकि मैं सारा काम वुडन का करूँगा, क्योंकि भाई तो भाई मैंने वुड फ्लोरिंग वुड की करी तो फ्लोरिंग भी मैं यहाँ की भी वुड की करूँगा, इसमें कोई बात तो है नहीं। तो अभी से मेरे को ले जाना है एक ब्लॉक नीचे बस, इतना फटाफट से तोड़ो। अरे आयरन की पिकैक्स बना लेते हैं ना, फटाफट काम होएगा। मेरे पास आयरन, मेरे को पता है मेरे पास रखा है, तो देख लेता हूँ। इस वाले में दो इंगट पड़े हैं, दो रॉ आयरन मेरे को मिल जाएगा बाहर, फटाफट उसे भी लेके आते हैं। बस रॉ आयरन बता रहा हूँ उधर पड़ा था वो पड़ा, अभी बहुत बार मरा और मैंने रिस्पॉन नहीं सक करा था, मैं उधर स्पॉन होता था, तो मेरे को पता है कि नहीं रॉयल है, और मेरे को ऐसा लगा वो कहीं भी मिल जाएगा ऐसे तो रैंडम। भाई ऐसी चीज आयरन ये इस गेम के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसके लिए तो इस गेम के लिए तो चुनू बुनू चीज़ें कहीं भी पड़े मिल जाते हैं। स्मूथ कर देता हूँ एरिया को, मैं पत्थर वाला एरिया, दो मिनट तो मैं स्मूथ कर देता हूँ, मिलता दो मिनट में, एक मिनट में स्मूथ हो एरिया। मेरे को ना ऐसे एरिया में घर बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगर हमने ऐसे ही बना दिया तो कोई बात नहीं। मेरी ये लिफ्ट देखो बिना कैल पर बिना किसी चीज़ के लिए भी इतनी तेज चल रही है, कोई कांड हुआ ना मेरे पास अभी बिन पड़ा हुआ नहीं पड़ा है। एक कोल तो हाँ, हमें एक आयरन चाहिए, तो एक कोल लगाया, आयरन लगाया हो गया ठीक है, एक आयरन को फटाफट इंतजार कर लेते हैं, एक मिनट हो लगा बस। ये लो ले लिया हमने एक आयरन, वहाँ से ले लेता हूँ अपने दो के दो आयरन, तीन आयरन लग गए, ये हो गया। और काफी टेबल मैंने लगाई थी एकदम यहाँ पे, वहाँ पे गए ये ली एक एक ये लगा तो ये लो भाई, सब जल्दी से चलते हैं, ये करेगी भाई गोली की तरह माइंड, ये कुछ भी नहीं है देखो, टच और टूटा सिर्फ ये तो लगा दिया, ये तो बस ऐसे जैसे बस पत्थर को टच करती तोड़ देगी आयरन पे गैस, तभी लगती है ना मेरे को इसलिए। बट हेल्थ भी इसकी जल्दी जल्दी जाती है, नहीं जाती उतनी जल्दी, इतनी जल्दी मैं सोच रहा हूँ जल्दी तुम जाती होगी इसके। बस होने वाला है, अगर मैं अभी से स्टोन की पिकैक्स से करता ना तो मेरे को बहुत टाइम ले जाता, और मैंने इसे कराया आयरन की पिकैक्स से। अब ये तुम खुद सोचो अगर मैं आयरन की पिकैक्स से जल्दी जल्दी तोड़ रहा हूँ, तो भाई मैंने पहले आयरन की पिकैक्स बना ली थी मेरे को, ना कि लगेगी मेरे को शवल यहाँ के लिए ठीक है, और शवल रखी मेरे पास ये लो, ये पत्थर की शवल तोड़ देगी ना, तो तुमने बची गए इसलिए, ये लो लगते ही तोड़ देगी, तो जगह डट है सारी जगह डट वाली क्लीन कर दूंगा मैं, या फिर बाद में पत्थर पत्थर आएगा वो आएगा ना, लकड़ियाँ लकड़ियाँ जैसे ये भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी लकड़ी की एंट्रेंस बने के अंदर ठीक है, सेम लकड़ी की एंट्रेंस अंदर को जाएगी ठीक है। ऊपर से मैं खोद देता हूँ, तो मेरे को पहले ऊपर से लग रही थी, तो दो ब्लॉक ऊपर खोद रहे हैं बस दो ब्लॉक, और अभी मैं स्टोन की पिकैक्स से तोड़ूंगा, एक भी खोद सकते हैं ऐसे क्योंकि यहाँ पे तो मैं ज़्यादातर कुछ भी नहीं रखने वाला, हाँ तो मेरे को यहाँ पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, तो एक 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 ही तोड़ता हूँ, एक ब्लॉक का ही तोड़ लेती है, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। अगर समझो मैंने अभी से एक ब्लॉक नीचे करा है ना, तो यहाँ पे हाँ तो इतनी जगह काफ़ी रहेगी ना मेरे लिए, बस तोड़ो फिर फटाफट से।
अगर गोल्ड चाहिए ना नेदर सबसे सही है गोल्ड के लिए, तो मैं भी यही मानता हूँ भाई नेदर चले जाओ, गोल्ड ही गोल्ड मिल जाएगा, हर जगह लटका लटका। पर डायमंड भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्च करना, मैं देखा है बहुत बार कि डायमंड ऐसे मिलते नहीं है 1.19 वाले एडिशन में, बहुत ज़्यादा ही ढूंढना पड़ता है। और हाँ 1.19 जावा एडिशन में तो नीचे वो भी आ गया होगा ना वार्डन वाली जगह, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी मार के आएगी राउंड। मैं ऊपर वाली जगह तो खोद रहा हूँ, हम ऊपर वाली जगह कैसे रख दूँगा, ऊपर मैं कुछ नहीं लगाने वाला वोट। ये हमने जो अपना मेन घर है उसकी तो दीवार ऊपर कैसी रख रखी है, उसे हमने क्रिएट नहीं कराया तो अभी सी क्यों क्रिएट करें हम। बस ये लो, ये फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर हम इसे तोड़ देंगे, ज़्यादा भी समय भी नहीं ले रहा है मेरा। बट मेरा जो सबसे ज़्यादा समय लेगी ना वो चीज़ होगी सबसे ज़्यादा समय लेने वाली, सबसे ज़्यादा समय लेने वाली चीज़ होगी मेरे लिए ले लो, वो होगी मेरा वुड तोड़ के लाना, फिर चेस्ट बनाना, फिर चेस्ट बनाने के बाद। हाँ तो भाई ये पूरा एरिया, ये बस मेरे को एक बार एक और फोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे को चलने की जगह चाहिए। ये जो एरिया है ना ये एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस होगी वो भी वुड की बनेगी, ठीक है। तो मेरे को तो तुम 10 से 20 मिनट, अरे ये वाली जगह जो होगी ना मेन, ये वाली जगह बनेगी अपने इसकी वुड की, बस ये और तोड़ देता हूँ क्योंकि ये भी तो वुड की बनेगी जगह। आयरन तो मेरे को ऐसे लटका वटका मिल जाएगा, तो मेरे को आयरन की ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं हो रही, पर मैं आयरन की पैकेट बना के तुम पागल तो हूँ नहीं जो मैं आयरन की पैकेट बना के से तोड़ूंगा, ठीक है। ये एरिया हो गया, इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है अच्छी खासी वो आ जाएगा मेरे चेस्ट पे, तो ज़्यादा धक्का खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे रख देते हैं अपना ये और ये रख दिया यहाँ पे। अब चलते अपनी एक्स ले लेते हैं और इन जो इतनी पिकेट्स वगैरह ना सबको यहीं रख देते हैं वापस से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, जैसे ये वुड है वुड को भी मैं यहीं रख देता हूँ क्योंकि मैं वुड मेरे को लगेगी 64 64 64 64 एक स्टैक वुड लगेगी, ज़्यादा भी लगेगी, एक स्टैक वुड लगेगी मेरे को, तो बस एक स्टैक लगेगी, बस एक स्टैक ही लगेगी मेरे को वुड की, इतनी भी नहीं लगती। यहाँ पे टॉर्च, यहाँ पे वैसे एक बार इसे लगा लेता हूँ, 34 ही जो ब्रिक्स रखे हैं मैं भी लगा लेता हूँ, एक बार देख लूँगा अगर ये 34 के 34 यहाँ पे लग जाएगी तो फिर मेरे को कम सामान लाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कितने 3x3 की जगह हो जाएगी मेरे को चलने की, ठीक है। बस इतना ये चौड़ा एरिया होगा मेरे चलने चलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं स्मूथ स्टोन से भर दूँगा और एक्स में रखा यार, पिक एक्स ना फॉर सेफ्टी अपने पास रख ही लेते हैं भाई, पिक एक्स की ज़रूरत कहीं ना कहीं पे पड़ जाती है। ये वाला एरिया है अभी से भी तो तोड़ देते हैं, ये लो ये हो गई एरिया हमारे लिए, कितना एरिया हो गया 1 2 3 4 4x4 का एरिया होगा अंदर जाने के लिए। यहाँ पे ये जो लुक दिया ना मैंने घटिया चीज़ से भी ढकूंगा मैं भी, और ऊपर कम से कम एक ब्लॉक, हाँ ठीक है। तो यहाँ से फटाफट से उठा लेते हैं 12 स्मूथ स्टोन, इसे उठा के रख देता हूँ, इन्वेंटरी बंद, 5-6 वाले पे आते हैं और फटाफट से चले चलते हैं। मेरे को इतना भी नहीं लगना था स्मूथ स्टोन, बस मेरे को इतना ही स्मूथ स्टोन चाहिए था, और ये लो खत्म हो गया स्मूथ स्टोन चाहिए। अभी पहले अंदर अंदर का काम जो ठीक करना है ना वो ठीक करने वाला सारा काम कर लेते हैं, फिर आगे का काम पत्थर वत्थर का काम स्टार्ट करेंगे, वो पेड़ वेड़ तोड़ने वोड़ने जाने वाला नहीं। वैसे मैंने लगा क्यों रहा हूँ उधर, कभी इतने पीस तोड़ देते हैं तो बस फिर मैंने क्यों लगा रहा था, मेरी लुक और ख़राब हो जा रही थी जिससे, तो और वैसे भी पता चलना नहीं है उसका। एक और तो पड़ेगी लिए मेरे को, ये देखो यहाँ पे ये निकल गया और ये मेरे किसी काम का नहीं, अभी ऐसे लटका रहेगा दीवार में लगा। चलो ये हो गया, अब फटाफट से चलता हूँ ऊपर और लेके आते हैं अपनी वुड, ठीक है, क्योंकि वुड मेरे को लगेगी और अभी ऊपर सुबह हो रही है रात तो नहीं होगी। इन्वेंट्री में चलते हैं इसे, यहाँ पे इन्वेंट्री से बाहर यार मत आया करो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते समय, रात तो हो गई तो पचला रात हो रही और मैं ऊपर माइनिंग करना है वो भाई बहुत लगेगा, इसके लिए मेरे को 3 आयरन लगेगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ आयरन और कहीं पे हो, आयरन वाली ढंग से तोड़ देगी इसे, और मेरे उसमें रखी होगी कम से कम होने चाहिए यार, मेरे उसमें भी 3 आयरन होने चाहिए, नहीं क्यों
हाँ, दो आयरन बचोगे ना, और एक आयरन, एक या दो बचोगे, एक बार चेक कराते हैं, क्योंकि अगर एक बार आयरन की निकल गई ना तो भाई वो एकदम गोली की तरह तोड़ती है। तो मैंने यहीं पे रखी थी वो, एक आयरन ये निकल गया मेरे को, एक दो दो आयरन और चाहिए भाई, नहीं है कहीं पे, रो आयरन भी नहीं रखा। ऊपर चले एक बार चेक करते हैं कहीं पे आयरन वायरन मिल जाए, वरना फिर चलते हैं आयरन की माइन करने, क्योंकि मेरे को आयरन लगेगा भाई ऐसे, अगर मैं स्टोन की से तोड़ूंगा बहुत टूट जाएगी पिकैक्स, अगर यहीं लगा हुआ मिल जाए तो अच्छा बात है, वरना फिर ढूंढने पूंढने जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, लगा हुआ मिल जाए कहीं पर तो अच्छी बात है यार, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा यार आयरन, नहीं यहाँ पे कहीं पे आयरन तो दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, बता रहा हूँ नीचे चलते फटाफट से पिकैक्स लाते, पिकैक्स रखिए, पिकैक्स लानी क्यों, बट इसमें हेल्थ थोड़ी कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तोड़ते हैं यहाँ से नीचे की साइड को ले चलते हैं। भाई आयरन, ओ आयरन मेरे पास नहीं होगा, 9 रखे ना, 9 से अगर मैं 7 बचे, 4 ये बना ली, ठीक है आयरन मिल जाए भाई, पता था मेरे को ये किसकी जरूरत भी लगेगी। इसको ले लिया, शवल तो बनानी है मेरे को, बनाना है ये ले ली, अभी से ले लो और तोड़ दो भाई, आयरन यार मिल जाए कहीं पे तो होगा, तू भी बाजू, ये आयरन बहुत ड्रामे करता है, ये आयरन ना बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, मिल जाए यार, दो आयरन की बात है, मिल गया तो मेरा सारा काम हो जाएगा। आयरन 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 और आयरन चाहिए, तू भी मिल जाए, आयरन चाहिए, आयरन चाहिए, हट जा, शॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, डेटा मेरा खोते रहो, कुछ नहीं पता भाई कहाँ से कहाँ आ जाए, और मैं फेसिंग टू ईस्ट टू, तो मेरे को देखना पड़ेगा मैं कितने उस पर आ चुका हूँ, चंख ब्लाट इतने, ब्लॉक चंक फेसिंग ईस्ट -31 दिखा रहे हैं ना उसको, एक तोड़ देखते हैं 30, हाँ तो अभी मैं 29 पे आया हूँ, तो मेरे को उससे नीचे जाना है 24, तो काम कर, मिल रहा है तो मिल जाए आयरन यार, ड्रामे मत कर अगर, तो मेरे को पलाना पड़ेगा, एक बार मैं बस चेक कर रहा हूँ आयरन मिल जाए यार तो अच्छा रहेगा, वरना फिर मेरे को ऊपर जाके पत्थर वाली पिकैक्स ही तोड़ना पड़ेगा। ये देखो आयरन है भाई, सही आयरन है भाई, आयरन सही चीज़ है वैसे, नहीं है यहाँ पे कहीं पे आयरन, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा पत्थर वाला करके, चलेगा ऊपर मेरे को, देखो नहीं टेक्निक आती नहीं है उतनी भी बंद तरीके से, मैं ट्राई करूँगा इस वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। आयरन था के ऊपर, अभी ये मत बोलना मैं आयरन मिस कर गया ऊपर, आयरन तो नहीं होगा, ठीक है थोड़ा, तो मैं भी यहाँ से गिरा नीचे, मैं बहुत ज़्यादा कंधा वाला गिरूँगा नीचे, ठीक है यहाँ से ले लो अपने ये, और अब लगेगा मेरे को बहुत सारा पत्थर, 15 पत्थर पड़े हैं मेरे पास, फिर पत्थर फर्स्ट पे चलते हैं, अभी और कितना ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, चलो पहुंच गए ऊपर, जल्दी से मार लेते हैं, नहीं आयरन नहीं मिला यार, एक बार उधर को चल के देखते हैं, मिल जाए आयरन बस तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यार आयरन तो होना चाहिए, है कि पड़ा होना चाहिए,
फाइल, एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरी, वो फैली नहीं। वरना लोग क्या करते हैं, ऐसे वाटर पकड़ करते हैं, पानी फैल जाता है। मैं कहता हूँ यार वोट तोड़ने चलो यार, इतना समय नहीं है मेरे पास। आयरन ढूंढने बैठे हो तो पता नहीं कितना और साल लग जाएगी। आयरन की पिकैक्स में अगली वीडियो में बना दूंगा, पक्का बना दूंगा। ठीक है, और सोने भी जाना चाहिए मेरे को भी, क्योंकि समय हो गया है उनका धोखा आने का। अब वो गधे आए उससे पहले हम चलते सोने पर, वरना वो गधे इतना गंदा मारेंगे ना मैं बहुत जाएगा। मेरे को कमेंट्स में बताना अगर माइनक्राफ्ट के लिए कोई चैलेंजेस भी हो। 32 हो गए ना मेरे पास, तो 32 एक स्टैक निकल जाएगा। तो मेरे को एक स्टैक की ज़रूरत भी नहीं, मेरे को एक स्टैक प्लैंक्स की ज़रूरत है। नहीं इतना सारे क्यों निकलता था, अरे गिर जानी थे भाई मेरी लिफ्ट। पहले सो लेते हैं भाई। अब मैं एक काम करूँगा, अब तो मरना ही नहीं है भाई, मर मर के मैंने भाई सारा अपनी सामान इतनी बार खो चुका ना। एक स्टैक तक चले जाएगा इससे, एक स्टैक और ऊपर से एक स्टैक और, तो 64 मैंने बोला था। ठीक है अभी चलते फटाफट से, और इस 64 का रख लेते हाथ में, मेरे को एक स्टैक ही लगेगा, ज़्यादा भी लगना था बट नहीं, एक स्टैक से ज़्यादा ही लगता क्योंकि भाई वो भी तो बनानी होगी चेस्ट से। अब चेस्ट के अलग वीडियो बनाऊंगा, चेस्ट में ऐसी वीडियो बनाऊंगा। मेरे को कितनी बार ऐसे माइन करते मिल जाता है बट मैंने उन्हें छोड़ दिया। और इस वर्ल्ड में तो कितनी सारी केवे है, कितना सब कुछ है, इसका नाम माइनक्राफ्ट, तो माइन इतनी सारी है इसमें। बट रवीन बहुत है, बट मैंने अभी तक एक रवीन भी नहीं, एक रवीन ढूंढी थी बट मैंने उस रवीन को पूरा एक्सप्लोर नहीं करा था, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर थे, फिर मैं माइनक्राफ्ट में नया भी था उस बारे में मर भी गया था। पर माइनक्राफ्ट की वीडियोज मैंने पहले भी बहुत बार डाली थी बट वो नहीं पाया था उतना, मतलब रवीन नहीं मिल पाई थी मेरे को। और मैं सही था, मेरे को बहुत सारा लगा, 31 और लग जाएगा। अब देखो वो दो जो चेस्ट है वहाँ पे, वो दो चेस्ट तो अंदर आ जाएगी। ठीक है ये लो, ये बन गया मेरा चेस्ट रूम। जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगी थी ना वुड, इन्हें फटाफट से तोड़ लेते हैं। ये लो, ये हो गया पूरा का पूरा चकाचक, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इन्वेंटरी में चल के ना फटाफट से तोड़ते हैं। इसे तोड़ना था, ये तोड़ लेते फटाफट से, एक्स्ट्रा लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेस्टें रखूँगा सारी अपनी, जैसे वो वाली चेस्ट है। अब इस वाली चेस्ट में तो कम सामान है, पहले तो कम सामान, कौन कहता है कम सामान है भाई, इतना सामान मैं सही बता रहा हूँ। मैंने आज तक ना कभी भी, जब से माइनक्राफ्ट खेलता था ना, सबसे इतना सामान मैंने इकट्ठा नहीं करता था मैं कभी भी। मेरे को पता है अगर मैंने इतना सामान इकट्ठा करा, मेरी पूरी इन्वेंट्री बच जाती है। मैंने ये तो देखो कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। ऐसी बात नहीं कि सारी चेस्ट अंदर होगी, दो चार बार लगा दूंगा। ठीक है अब यहाँ पे चले गए कोबल स्टोन, तो भैया समझ ही जाओ कोबल स्टोन का, तो ये तो स्टोन वाली चीज़ है ना, यहीं रहेगी भाई। की टेक्निक होती नहीं है क्या जिससे सारा सामान एक साथ ही चले जाए। भाई ये सारा सामान एक साथ चले जाए ना तो मजा आ जाए। अरे करो ना, लो इसे फोड़ो, लो इसे फोड़ो, टेस्ट है ना सर, टेस्ट लेनी थी थोड़ा सा, पत्थर हो जाएगा। तीन चेस्ट हो गई, मुझे तो तोड़ देता हूँ, चार चेस्ट हो गई यहाँ पे। तो मेरे को एक बात बता दो, ये क्या मेरा घर है, सामान अंदर फटाफट चेस्ट लगा के आते हैं। मेरी पहली तो मेन दो मेन चेस्ट होगी, वो लगेगी यहाँ पे। ठीक है फिर मेरी दो चेस्ट लगेगी यहाँ पे, इस वाली चेस्ट में रख देता हूँ अपना सारा सामान अभी के लिए, कि वहाँ पे जितना सामान है ना वो एक ब्लॉक में तो आने वाला है नहीं, एक स्टैक सामान तो है नहीं, वो नहीं एक स्टैक सामान है, वो कुछ नहीं है वो दादा। मैं दिखाता हूँ ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टैक 5 मिनट ही लगेगी मेरे को, लगने में 5 मिनट में सारा सामान डिस्पॉन हो जाता है। मेरे को माइनक्राफ्ट वालों की एक चीज़ सबसे गंदी लगती है भाई, बंदा मर गया उसके पास इतना सारा सामान हो और 5 मिनट में तुम बंदे को डिस्पॉन करवा रहे हो, सारा सामान बंदे का डिस्पॉन हो जाता है, वो मेरे को थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई सारा सामान बंदे का डिस्पॉन हो गया। यहाँ से जितना सामान है ना सारा ऊपर को रख देते हैं और गऊ माता को ढूंढेंगे, फिर फटाफट से गऊ माता का दूध पीते हैं। और मेरे को फार्मिंग भी करनी है, ऐसी बात नहीं है कि फार्मिंग नहीं करनी, फार्मिंग भी करेंगे पहले वहाँ से। इसकी बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे लैग, एक स्टैक सामान है, एक स्टैक, तुम्हें एक स्टैक सामान बोलोगे इसको,
हाँ वो भैया ये एक शख्स मान तो है, पर तुम्हें सब ये देखो ना कितनी रेल बनेगी। और मेरे को ना मजे भी लेने चलते हैं, और मजे लेके आते हैं सारे, वो सभी ना मजे लेके। ये सैंड मेरे को ना सैंड जो होती है सिर्फ ये कांच बनाने वाला काम होता है ना, ये मेरे को सबसे गंदा लगता है। तो अभी मेरे को लगेगी पिकैक्स और मेरी स्वॉर्ड, और अब चलते हैं मुझे, और थोड़े बहुत किल भी करके आएंगे क्योंकि मेरे को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फूड ले लेते हैं, फूड में रख रहा हूँ ना, फूड भी ले लेते हैं यहाँ से। फूड 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 या नहीं यार नहीं, क्यों उनसे नहीं लड़ना चाहता कोई, उन्हें बता दो कि उनसे नहीं लड़ना चाहता मैं, नहीं भिड़ो मेरे से, चले जाओ यहाँ से। एक एक को बना ना बहुत मारूंगा, चले जाओ। पहले बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ मतलब मुझे मार भी दूंगा, फिर तुम रेड कराते रहना जितनी रेड करा सको तुम। भाई बोल रहा उसको मालिक, मालिक मेरी तरफ एम करके खड़ा है, जा रहा हूँ सरदार। इसकी भी है, इसकी आग तो आँख मत, मार मार दूंगा, बता रहा हूँ मार भी दूंगा। तेरे सारे नौकर से चले जाओ, उनके साथ जा, मेरे से मत भिड़, मैं मार दूंगा। और मेरे पी एम करके खड़ी है पूरी आर्मी, वो ही गौ माता, वो तो गौ माता के पास जाने दो पीने। अरे यार गौ माता भागो, बोलो मत भागो, तो मैं बोल रहा हूँ मत भागो, बोल रहा हूँ खाने दे दो मेरे को, भूख लग रही है इतनी। गौ माता भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, पता है मेरे को गौ माता को मारना नहीं चाहिए। चलो गौ माता, गौ माता सबसे अच्छा फूड देती है खाने के लिए, बट गौ माता को मारना भी। सात सबसे ज्यादा खाना देती है गौ माता में, खाना 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 खाना। ये रही गौ माता, मेरे को पता है लैपटॉप को क्या होता है, गौ माता के पास आती है लैग मार जाता है, पता है क्या है, गौ माता के पास आता ही है। और ये देखो लैग, जैसे गौ माता थोड़ा दूर जाएगी लैग होगा, ये देखो दे दे, 8 हो गए ना, 10 करके चलते हैं। बट भाग लो गौ माता, तुम भाग लो, मेरा लैपटॉप अभी लैग हो रहा है। ये ले दे दे, 10 हो गया, तेरे को ही मारना है क्या, ये ले चल भाग जाए वहां से, फटाफट चलते हैं फर्नेस पे लगाते खाने को। तेरे को क्यों लगा रहा हूँ अंदर, तू लग जा भाई। आज का खान, आज का जो हमारा है वीडियो वो हम खत्म करेंगे मांस खा के। आज की वीडियो है तब तक, नेक्स्ट वीडियो मेरा खाना भी फूड है, तो नेक्स्ट वीडियो भी के लिए।